क्या से क्या हो गया। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली आज क्या हुआ है, आज हमारा प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, बट मैंने कुछ दिल पे ले लिया है। बेचारे मेरे फूफू की किसी ने बोला कि ये कभी शेव क्यों नहीं करता। अब किसी को क्या पता कि फूफू की ग्रोथ इतनी है, वो जल्दी इसके बाल लंबे हो जाते हैं और दाढ़ी आ जाती है। तो देखो ऐसा है कि पहले मैं 1 पॉइंट रख भी लूं, बट फायदा क्या है, शादी हो चुकी है, किसको दिखाना है। मुझे लगता है कोई बात नहीं, दाढ़ी रख लेते हैं। मैंने भी दिल पे ले लिया बात, मैंने कहा फूफू लेट मी एक्सप्लेन देम। तो बेसिकली होता क्या है कि कनाडा में कटिंग और हेयर कट बहुत महंगा होता है, तो मैंने सोचा इस पे आपको एक व्लॉग बनाया जाए और दिखाया जाए कि कितने पैसे लगते हैं। पैसे तो लगते नहीं, डॉलर्स लगते हैं यहाँ पे कनाडा में कटिंग कराने के लिए। तो ये व्लॉग स्पेसिफिकली उन लड़कों के लिए कि भाई सीख के आना, कटिंग नहीं से ट्रिमर से कर लेना, ठीक है, और देखना कितनी फटाफट भी करते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज, मुझे पसंद है यार ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी, क्या देखो नहीं छिड़कती कभी कभी, क्या मतलब पसंद है, मेरे को मेरी खेती पसंद है। बट आज तो मैं लेके जा रहा हूँ, आज तो मैं लेके जा रहा हूँ पायल बिजनेस सेंटर में, जो इंडिया से दूर तुम्हें इंडिया की याद नहीं दिलाएगा, वो बिल्कुल लगेगा तुम इंडिया में ही आए हुए हो। फन हो जाएगा, मेरा भी बहुत दिल था जाने का, लेकिन मुझे अभी आई एम वर्किंग, शी इज बिजी एज ऑलवेज, एंड मैं चलूंगा तो तुम लोग मेरे साथ चलो। मेन रीजन क्या है कि मैं वेट कर रहा था, मेरी ना एक्चुअली क्या है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है बियर्ड और बालों की, तो मैं वेट कर रहा था कि जब मुझे बैंफ जाना होगा तब मैं करवाऊंगा। इतना तो अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सो मैं वेट कर रहा था कि जब बैंफ जाना होगा तब करवाऊंगा मैं हेयर कट वगैरह, क्योंकि अगर मैं एक हफ्ता पहले भी कराऊँ ना तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि यार शिट मैं वॉलेट भूल गया शायद। टीवी का फायदा क्या है कि अगर तुम वॉलेट भूल जाओ, वो रोमांटिक ऐसे हीरोइन की तरह आए, वो आ रही है किरत, थैंक्स। हाँ तेरे को पता नहीं है मैं बिजी हूँ, सॉरी मम्मा, आई डिडंट मीन दिस। मम्मा देखो आप कुछ मत कह रहा, मम्मा आपके लड़के को मारती है ऐसे नहीं, ऐसा कुछ। सोचो यूट्यूब पे अगर ये हाल है इसका तो वैसे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफी क्यूट, तुमने क्यों ये लगा के रखा। ये इसके असली है। तो मैं बता रहा था कि मैं कटिंग तो पहले भी करवा सकता था, बट अभी 10 दिन में मैंने बैंफ निकलना था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ताजी ताजी कटिंग करा के बैंफ वगैरह, शादी भी आ रही है तो अटेंड करे तो कुछ थोड़ा सा रहता है कि फ्रेश फ्रेश वाली फीलिंग रहती है। पर अब 5-10 दिन पहले करवाऊंगा कटिंग, उसके बाद फिर बाल उग जाएंगे, दाढ़ी दूड़ी आ जाएगी इतनी हैवी सी, फिर क्या पता लगता है। तो मैंने कहा आराम से, और यहाँ पे मेरी कोई ऐसे मीटिंग वगैरह स्पेसिफिक नहीं होती, सब कुछ वीडियो कॉल पे होता है। मैंने कहा ठीक है यार, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, चला रहे थे। आज हम जा रहे हैं पायल बिजनेस सेंटर। ये एक्चुअली क्या है, पूरा इंडियन ही है यहाँ पे सारे लोग, और तुम्हें फीलिंग आएगी कि तुम दिल्ली में या चंडीगढ़ में ही हो पायल बिजनेस सेंटर आके। मतलब इनफैक्ट तुम लोग अगर हमारी वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह देख रहे हो तो जैसे तुम लोग नोटिस करोगे कि हम कितनी बार नॉर्मल ऐसी जगहों पे जाते हैं जो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि यार इट इज नॉट इवन फॉरेन, बिल्कुल वो तुम्हें जैसे घर से दूर वाली फीलिंग नहीं आएगी। जैसे अभी हम डोसा खाने गए थे तो सब बहुत नॉर्मल सा है यहाँ पे। सो पीपल हु आर लाइक मी, हु आर थिंकिंग कि यार एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, स्टार्टिंग में जरूर लगा था, आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी पहले वाली, बट नाउ आई हैव एडजस्टेड टू द एंटायर एटमॉस्फेयर। तो टाइम लगता है थोड़ा सा, बट इट्स फाइन। मेरे साथ में ना इतनी प्यारी टेस्ला खड़ी हुई है, हम भी लेंगे कभी, 2-4 कॉन्ट्रैक्ट्स और मिले, पहले यार अपने घर लेंगे फिर गाड़ी लेंगे। मेरी और कीरत की ना यही डिस्कशन होती रहती है यहाँ पे। अगर कनाडा में आके ना सबसे बड़ी जो चीज होती है, जो हर बंदा सोचता है यार कि लेना है लेना है, और स्पेशली जो इमिग्रेंट्स होते हैं, होता है घर। एक बार घर ले लिया ना, फिर ये गाड़ी गुड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब हम देखते हैं लोगों को गाड़ी गुड़ी लेते हुए, और बहुत बार होता है यार अंदर से हमें भी फील होता है यार एक हम भी सेक्सी गाड़ी और ले लें, ठीक है, दिल करता है, सबका ही करता है वो तो सबको पता ही है। पर फिर एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल दे, तो बस फिर देखेंगे आराम से, अभी अपनी मस्त चलती है। इंसान मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि लोगों का ना जो हमारी जो ख्वाहिश है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकती, ये गाड़ी फिर उसके बाद एक और गाड़ी, फिर बड़े फीचर। पहले बंदा सोचता है कि सनरूफ आ जाए, फिर बंदा सोचता है सनरूफ आ गया, और बड़ी सनरूफ आ जाए, फिर और बड़ी सनरूफ आ जाए, फिर बंदा कहता है भाई मूनरूफ ही आ जाए, कन्वर्टेबल ही ले लो। तो देर इज नो एंड टू आवर विशेस, सो बढ़ती रहती है। बट अपने आपको एक टाइम पे आके यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि क्या जरूरी है और क्या चीज अभी नहीं। बाकी जितनी बातें भी कर लो, गाड़ियां सुंदर बहुत होती है कनाडा में,
अ गाइज पर्सपेक्टिव। अब मैं पहुंच गया पायल बिजनेस सेंटर, चलो तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। तो मैं कटिंग कराऊंगा परम कट से, परम कट्स, ठीक है, पूरी इंडियन दुकान है, तुम्हें ऐसा पूरा लगेगा मोहाली चंडीगढ़ में तुम आए हो कटिंग कराने। और सर अब जिनसे मैंने कटिंग करवानी थी वो तो बिजी, तो मैंने पिछली बार वाले भैया से करवाई जो सीख रहे थे, अब देखते हैं कितना उन्होंने सीख लिया एक महीने में। तो हेयर कट हो चुका है और घर जाके दिखाता हूँ, उन्होंने वैक्स वूक्स लगा दिए, तो अभी मैं अपने हिसाब से स्टाइल सेट करूंगा, बट मुझे अच्छे लग रहे हैं और काफी सॉफ्ट से हुए हुए। तो मैं घर आ गया हूँ, अब देखते हैं कीरत का क्या रिएक्शन रहता है, पता नहीं कुछ ना कुछ बोलेगी तो जरूर। क्या से क्या हो गया वो, ये क्या किया यार, पीछे से तो गंजा हो गए तू, देखो छिन लग रहे। अब इसने मुझे कहा था जाके कटिंग करवा के, हमें करवा के, फिर ये रो रही है, ये क्या कर रहा है फूफू, ऊपर वाले भी छोटे हो गए तेरे। अरे वो उसने ना जेल ज्यादा लगा दिया, तो अभी मैं नहा के आऊंगा तो मैं तेरे दिखाऊंगा, मैं उठा लूंगा बाल्टे मेरे हाथ में थोड़ी, मैं तो कहा था वो बंदा बिजी था, तो उसने ये जो भी सीख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट डाउन बिलो कि हम चुके हैं गंजे बाल कैसे लगे। गंजे बाल कितने पैसे बढ़ते हैं ये बता। $30। बाय बाय।